हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ मैंगो मटका कुल्फ़ी का रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 लीटर दूध। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। जब ये दूध उबलने लगेगा तब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहें तो गैस को मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं। गैस को हाई फ्लेम पे रखिएगा तो यहाँ से हटिएगा नहीं, क्योंकि ये दूध बाहर गिर सकता है। जब भी गैस को हाई फ्लेम पे रखना है फ्रेंड्स, तो लगातार इसे हमें चलाते रहना है। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे हमें ये दूध गाढ़ा करने में। और यहाँ पर देखिए, हमारा दूध लगभग लगभग आधा गाढ़ा हो चुका है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू कटा हुआ, थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे बारीक कटा हुआ, चीनी डाल देंगे लगभग 4 से 5 चम्मच। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी डाल देंगे केसर की पत्ती, इससे टेस्ट और कलर दोनों बहुत अच्छा आता है। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक चलिए हम आम काट लेते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का आम ले लिया है। ये आम है आम्रपाली। इस आम का नाम भी बहुत अच्छा है और खाने में बहुत मीठा लगता है। और अब हम इसे काट लेंगे। पूरे आम के पीसेस छोटे छोटे काट लेंगे। इसी तरीके से काट कर एक बर्तन में रखेंगे। आप चाहें तो कोई भी आम ले सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का आम लिया है, वो भी आम्रपाली। आप कोई भी आम ले सकते हैं। अगर में आप छोटा छोटा आम है आपके पास तो आप 2 आम ले सकते हैं। और इन सबके पीसेस निकाल लेंगे इसी तरीके से। और अब आम को डालेंगे मिक्सी जार में। फ्रेंड्स, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमें, ऐसे ही पीसकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पर देखिए, एकदम महीन आम को मैंने पीस लिया है अच्छी तरह से, एक भी लम्स नहीं है इसमें। और यहाँ पर देखिए, दूध भी हमारा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। जो मलाई ऊपर से पड़ रहा है उसको भी हम इसी में मिलाते जाएंगे और दूध हमारा गाढ़ा होता जाएगा। दूध गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे मैंने गैस पर से उतार दिया है। इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने 4 मटका ले लिया है और इसी में मैं मटका कुल्फी बनाने वाली हूँ। और ये देखिए, हमारा दूध भी ठंडा हो गया अच्छी तरह से। और अब हमें आम का पेस्ट इसी में डाल देना है। सारे आम का पेस्ट इसी में डाल देंगे। इसे डालने के बाद खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देख सकते हैं आप, इसी तरीके से खूब अच्छी तरह से फेंट कर तैयार कर लेंगे। इतना फेंटना है कि कोई भी लम्स ना रहे इसमें। और ये मटका कुल्फी बनने के लिए तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमें इतना ही गाढ़ा बनाकर पेस्ट को तैयार करना है, एकदम रबड़ी जैसा। और अब हमें सारे मटके में इसको भरना है। ऊपर से डालना है इन सब में बारीक कटा हुआ काजू और बारीक कटा हुआ बादाम डाल देंगे, थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप डाल सकते हैं। और अब इन सब का ढक्कन लगा देंगे और इसे रख देंगे फ्रिज में पूरी रात जमने के लिए। आप चाहें तो फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे ही ठंडा करके खा सकते हैं या फिर कुल्फी जमा कर भी खा सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे खा सकते हैं। थोड़ा सा हमारा पेस्ट कुल्फी का कढ़ाई में बच गया है। अब हमारे पास मटका भी नहीं है तो इसे हम ग्लास में ही जमा देते हैं। और अब इसे रख देंगे फ्रिज में पूरी रात जमने के लिए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मटका कुल्फी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से जमकर तैयार हो गया है। चलिए इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, एकदम क्रीमी, आप देख सकते हैं।
एक बार आप हमारे तरीके से ये मटका कुल्फी आइसक्रीम बनाकर खाइए, बाकी सारे कुल्फी का स्वाद आप भूल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।